हमने ये समझा कि हमारी जो सोच है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा जो मन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मन किस दिशा में जा रहा है, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसी इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारा नजरिया कैसा है, किसी भी चीज के तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, और हम कौन सी बातों को ज्यादा याद करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इसीलिए ये बात हमने महत्वपूर्ण बात समझी। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो, जैसे हम सभी समझते हैं अभी वर्तमान जो सिचुएशन है इसमें अपनी इम्यूनिटी अगर अच्छी रखना चाहते हैं, उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो और एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी जीवन शैली कैसी है, सुबह हम उठते कितने बजे हैं, रात को सोते कितने बजे हैं, सोते हैं तो वो नींद की क्वालिटी कैसी है, तो ये सब बातें हमारे हेल्थ को प्रभावित करती रहती है। तो इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है, और ऐसे माना चलो अभी इस बार ये वायरस है तो कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ ऐसे बीमारियां आती रहती है, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, तो इसीलिए हमें ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को अगर सदा के लिए अच्छा रखना है, पावरफुल रखना है, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना भी बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दिनों दिन जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, वैसे तो अभी इस बीमारी का या इस वायरस का इन्फेक्शन का मीडिया में बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार हो रहा है, लेकिन और भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, कैंसर है, इससे भी लाखों लोग मर रहे हैं। तो इसलिए ये सभी जो बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है या स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है, तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को भी सही रखना बहुत बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से जैसे मैंने बताया, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज, लेकिन उसका हमारे लाइफ के ऊपर या हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हाल ही में एक बहुत रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये सब बातें हमारे इम्यून सिस्टम को खास करके प्रभावित करती है, और अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमें होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ये बात हम अगर समझे और इस अनुसार अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, और उसमें भी जैसे मुख्य रूप से जो बात मैंने आपको बताई वो हमारा जो माइंड है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आज के सेशन की शुरुआत में गीत से करना चाहूंगा, हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इस गीत के जो शब्द है, शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर, तो ये गीत मेरे ही द्वारा गाया हुआ है और नेट पे भी आप सुन सकते हैं। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा। ओ
शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी सोच ही संकल्प है, संकल्प से संसार, जैसे बीज से पौधा वृक्ष होता साकार। सबका भला हो मन में, ऐसा हो विचार, कोई कहे तुम्हें कुछ भी करो सबसे सदव्यवहार, सबका भला तुम करते चलो, सबका भला तुम करते चलो, हो जाओगे भरपूर, कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा, ओ, शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए जीवन में, हमें कभी भी मुरझाना नहीं है, उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझना है। कितना भी अंधेरा हो पर हीरा तो चमकता, श्रेष्ठ कर्म करता जो उसका तो भाग्य दमकता। परमपिता की याद से आबाद वक्त होता, दिव्य दृष्टि जिसकी है वो पुण्यों के बीज बोता, प्रभु प्यार तुम भरते चलो, प्रभु प्यार तुम भरते चलो, बन जाओगे कोहिनूर, कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा, 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 सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो जैसे इस गीत के शब्द थे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन पुष्प मुस्काएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए हमें अपने मन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे तो गीता का सार हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन इसमें और थोड़ा करेक्शन करके मैं बताना चाहूंगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा बहुत बहुत अच्छा। अभी आप सोचेंगे या आप कहेंगे कि अरे इतना बुरा हमारे सामने हो रहा है, तो हम कैसे ऐसा कहें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो? तो इसके लिए ही मैंने जैसे बताया, हमारी ये संकल्पों की जो शक्ति होती है, हमारे विचारों की जो पावर होती है, तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव संकल्प करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस तो आएंगी, लेकिन उस सिचुएशन में भी अगर हम अपनी मनस्थिति को, परिस्थिति को मनस्थिति के ऊपर हावी नहीं होने देते, और अपने मनस्थिति को अगर सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद वो परिस्थिति जो है वो दूर हो जाती है, और हम उस परिस्थिति से एक नया आत्मविश्वास लेकर, एक नया कॉन्फिडेंस लेकर निकल सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मुझे ये अभी कहानी याद आई। एक ये हिटलर के जमाने की बात है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल नाम के एक जू डॉक्टर थे, ही वॉज साइकोथेरेपिस्ट। और जब हिटलर के लोगों को ये बात पता चली कि अरे ये साइकोथेरेपिस्ट और ये जू है, तो हिटलर के लोग तो जू लोगों से बहुत नफरत करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे उन्होंने ऐसे बहुत ऐसे जेल जैसे बनाए थे, और ऐसे गैस चेम्बर जिसको कहा जाता था, वहां पे बहुत सारे जू लोगों को बहुत बुरी तरह से यातनाएं दी जाती थी और मार भी डालते थे। तो ऐसे ही उन्होंने इस डॉक्टर को और इसके पूरे परिवार को भी उस जेल में बंद किया, और उन्होंने सोचा कि अच्छा ये मन का डॉक्टर है, तो इसके मन को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे देते हैं, क्या रोज उस डॉक्टर के एक रिलेटिव को उसके सामने लेके आते थे। उस डॉक्टर को पहले तो वो कुर्सी से बांध के रखते थे अच्छी तरह से, फिर उसके सामने उसके एक एक रिलेटिव को लेके आते थे, और उस रिलेटिव को बहुत बुरी तरह से यातनाएं देते थे उस डॉक्टर के सामने ही, और यातनाएं दे देकर कभी कभी मार भी डालते थे उसके सामने। अब सोचिए, उस डॉक्टर की जगह पे अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या हो जाता, या तो वो सुसाइड कर लेता, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता, या तो पागल हो जाता। लेकिन उस डॉक्टर ने सोचा कि मेरे कंट्रोल में क्या है, अब ये परिस्थिति को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं इन लोगों को तो बचा नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा किसको बचा सकता हूँ? तो उसने सोचा मैं स्वयं को बचा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपने माइंड और इंटेलेक्ट को पूरी तरह से डाइवर्ट किया दूसरे काम में। कौन से काम में? तो उसने देखा वहां पे जो कैदी थे उनका उसने साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना शुरू किया और उसको नोट डाउन करना शुरू किया। उसने देखा वहां पे दो प्रकार के कैदी थे, लगभग सभी कैदियों को सारे दिन भर में ब्रेड के केवल 4 टुकड़े मिलते थे खाने के लिए, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे 4 में से भी 2 बचा के रखते थे। तो कौन से कैदी बचा के रखते थे? जिनको जीवन में ये आशा थी कि कभी ना कभी हम इस जेल से जरूर छूटेंगे, जिनका ये लक्ष्य था, किसी को अपने बेटी की शादी करानी थी, किसी को अपने बेटे को आगे पढ़ाना था। तो जो ऐसे लोग थे जिनका कुछ ना कुछ लक्ष्य था, या जिनके मन में ये आशा थी कि जरूर हम छूटेंगे, वही लोग अंत तक टिक पाए। और ये लोग जब जेल से बाहर छूटे, डॉक्टर जैसे हो गए, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया था उसको, उस सब चीजों को उन्होंने किताब के रूप में पब्लिश किया। और जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई, अमेरिका में रातों रात उसकी लाखों प्रतियां बिक गई, और सभी उस डॉक्टर फेमस ऑथर के रूप में जानने लगे। किताब का नाम था अ मैन सर्च ऑफ मीनिंग, अ मैन सर्च ऑफ मीनिंग। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। तो उनको फिर बहुत फेमस हो गए वो, और उनका इंटरव्यू करने के लिए प्रेस रिपोर्टर आए, उन्होंने भी उनको पूछा कि सर आप हमें ये बताइए
इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपने अपने आप को कैसे बचा रखा? उन्होंने कहा मैंने ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल यूज किया, कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में जो था वो मैं करता गया करता गया करता गया, और इसीलिए इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैं बाहर निकल पाया। इसलिए हमारे जीवन में भी हम ये सोचे, कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें ये सोचना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, और उसको करना शुरू करें। कई बार क्या होता है, हम अपना बहुत सारा समय जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने में, उसके बारे में चर्चा करने में, उसके बारे में बातें, मना अपनी सारी एनर्जी हम उसमें लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए हमें आउटपुट तो कुछ मिलता ही नहीं। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो हमारे कंट्रोल में है। सोचिए अभी जो भी सिचुएशन, ये तो चलो एक सिचुएशन है, ऐसी और भी सिचुएशंस जीवन में सामने आती है, तो ये सोचना है कि इस परिस्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और उसको ले जाए। देखिए वैसे देखा जाए तो वास्तव में हमारे कंट्रोल में ना तो भूतकाल है ना भविष्यकाल है। इसलिए कहते हैं ना, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टूडे इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। उसको प्रेजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान का मिला हुआ एक गिफ्ट है, और इसीलिए उसका प्रॉपर यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, भूतकाल जो है वो सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है, क्योंकि वर्तमान ही मेरे हाथ में है। भूतकाल जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। भविष्यकाल जो आने वाला है वो कैसा होगा ये भी हमें ठीक से क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए या तो पास्ट का पश्चाताप या तो फ्यूचर की चिंता, इसमें हम अपने अनमोल वर्तमान को नष्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए आज से ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि वर्तमान ही केवल मेरे कंट्रोल में है। देखो जैसे ये एक एक सेकेंड पास हो रहा है आपके सामने से, तो ये एक सेकेंड आप कैसे बिता रहे हैं, कितना खुशी से बिता रहे हैं, कितना पॉजिटिव वे में बिता रहे हैं, वही फिर धीरे धीरे एक सेकेंड क्या हो रहा है, अपने पास्ट में जमा होता जा रहा है। तो ये एक घंटा अगर आपने बहुत खुशी से बिताया, बहुत पॉजिटिव वे में बिताया, कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम करने में बिताया, तो वो एक घंटा क्या होगा, एक घंटा आपके पास्ट में चला गया। तो ऐसे आपने अगर अपने वर्तमान के ऊपर फोकस रख के उसके ऊपर काम करना शुरू किया, वर्तमान में जीना अगर सीख लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वही वर्तमान आपका पास्ट बनता जाएगा। तो वर्तमान अगर आपने अपने वर्तमान को पॉजिटिव किया, तो कुछ समय के बाद आपका पास्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, पास्ट पॉजिटिव, प्रेजेंट पॉजिटिव, तो फ्यूचर भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे कंट्रोल में है, सोचना तो हमारे कंट्रोल में है ना, बोलना तो हमारे कंट्रोल में है कंट्रोल में या नहीं है? कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया, कोई दूसरा आके बोल गया? तो इसीलिए ये जो शब्द हम कहते हैं ना कि अरे मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया, मैं ऐसा सोचने से विचार आते हैं, तो वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे
बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम अगर केवल इतना भी करते हैं ना कि नहीं कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए, जैसे पहले दिन मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, वो जो मंत्री था वो क्या कहता था कि जो हो गया उस हर बात में कल्याण है, जो है वो कल्याण के लिए है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो इसीलिए ये बात भी अगर हम समझ लेते हैं और इसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो भी अपने जीवन में एक बहुत सुंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए ये जो गीत है, ये ऐसे गीत जो होते हैं ना, ये भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए, विपरीत परिस्थिति में भी हम सकारात्मक रहें। सर, हमने सुबह के बारे में देखा कि मैं कहने वाला मैं कौन हूं, तो ये बात समझ में आई थी कि वास्तव में हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और ये बात समझना भी क्यों जरूरी है, इतना स्वयं को आत्मा समझते हो ना, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है वो जागृत होने लगती है, हमारा जो सुप्रा कॉन्शियस है जो सबसे नीचे है वो जागृत होने लगता है। एक बार सुप्रा कॉन्शियस जागृत होता है तो हमारे जीवन में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इसीलिए इसमें स्वयं को आत्मा समझने, जैसे मैंने कल आपको बताया कि कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। जैसे देखो, कई बार हम बॉडी कॉन्शियस तो नहीं होते लेकिन रोल कॉन्शियस होते हैं। रोल कॉन्शियस माना क्या, जैसे अगर मैं अपने आप को समझूं कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर मुझे इस बात का बहुत ज्यादा, इस रोल के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए कि मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर हूँ, तो क्या होगा कि मुझे माना हर समय यही लगेगा कि जो भी सामने आ रहा है वो पेशेंट है। बच्चे आते हैं सामने, पापा पापा पापा, तो मैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उस रोल के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया। जैसे कोई अगर अपने आप को बहुत ज्यादा सोचते कि मैं माँ हूँ आत्मा के बजाय, तो माँ सोचने से क्या होगा, बच्चों की चिंता उनको बहुत हमेशा सताती रहेगी, है ना। या तो अपने आप को अगर पत्नी समझने लगे, मैं पत्नी हूँ पत्नी, तो पति की चिंता ज्यादा सताने लगेगी। तो इसीलिए कोई भी रोल में अगर बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भी वो टेंशन का कारण बन जाता है। इसलिए बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी स्थिति। और उसमें भी हमने ये देखा था कि 7 पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे अंदर है। एक तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति। अब ये तो हमारे अंदर की कम होती है, ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने कल बताया कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो रिचार्ज करने के लिए किसके साथ कनेक्ट करना है, तो रिचार्ज करने के लिए वो जो जिसको कोई सुप्रीम एनर्जी कहता है, कोई यूनिवर्सल एनर्जी कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, भले ही नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना हम उसके साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं उतना ऑटोमेटिकली एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है। और इसीलिए उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसीलिए मैं यही एक और एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बहुत ही सुंदर गीत है। जब हम उसके प्यार का अनुभव करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत चेंज हो जाता है और हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। तो वो मैं आपको गीत सुनाता हूँ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। Thank you.
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ी आकर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ी आकर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य लला, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य लला। महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। तो इसीलिए उसके प्यार का अनुभव करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर ये 7 इनेट क्वालिटीज है, लिमिटेड है, लेकिन उसके पास ये सारी क्वालिटीज अनलिमिटेड है। वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सभी गुणों का भंडार है। जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे उसका भी स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट ही है। उसको हम शिव कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम के रूप में देखो पूरे भारतवर्ष में कितनी पूजा होती है। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं गॉड इज काइंडली लाइट, सलमान लोगों ने उसको कह दिया नूरे इलाही, तो सिखों के धर्म गुरु जो थे उन्होंने कहा कि एको ओंकार निराकार। भले ही नाम अलग अलग दे दिए, अलग अलग रीति से सब हैं पूजा करते हैं, लेकिन शक्ति तो एक ही है। और जब हम उसके साथ कनेक्ट होने लगते हैं, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होने लगती है, हमारे जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। तो इसीलिए ये मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, राजयोग मेडिटेशन जिसको कहते हैं, और इसके ऊपर कई सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। वास्तव में इसमें दो स्टेप्स होते हैं, तो है गोइंग इनवर्ड्स, अपने अंदर जाना,
और दूसरा है गोइंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स माने जिसको सोल वर्ल्ड कहता है, कोई ब्रह्मलोक कहता है, कोई परम धाम कहता है, शांति धाम कहता है, जो उस परमात्मा का रहने का स्थान है, निवास का स्थान है, तो कोई उसको सातवां आसमान कहता है। उस स्थान तक हम जब मन बुद्धि से जाते हैं और परमात्मा से कनेक्टेड होके अपने आप को रिचार्ज करते हैं, रिजुनेट करते हैं, तो उससे हमारे अंदर ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, ये रिसर्च हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, और ये रिसर्च हुआ था दादी जानकी जी के ऊपर। दादी जानकी जी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो दादी जानकी जी के ऊपर ये रिसर्च हुआ था। उसके पहले उन्होंने कई सारे साधु संन्यासी महात्मा योगी ऋषि महर्षियों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किए थे और उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया। तो उन्होंने क्या किया, जो भी लोग मेडिटेट करते हैं उन सब लोगों के ऊपर ये रिसर्च हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईईजी से ये रिसर्च किया। ईईजी माना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जैसे छाती की हम चेकिंग करते हैं तो ईसीजी यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऐसे ब्रेन से किस प्रकार की वेव्स निकल रही है वो चेक करने के लिए ईईजी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो उन्होंने उस यंत्र को यूज करके चेक किया, तो उन्होंने कई सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किया है और दादी जानकी जी को उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने देखा कि मेडिटेशन करने के तुरंत बाद चेक करके देखा, वैसे तो हमारे ब्रेन से चार प्रकार की तरंगें निकलती है, एक होती है एकदम गहरी नींद में मेडिटेशन निकलती है, आता है डेल्टा तरंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 0 से 4। उसके बाद जब हम सोए नहीं है या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन एकदम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, और थोड़ा मना मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो होती है ये अल्फा तरंगे होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 12। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एकदम गहरी मेडिटेशन में रहते हैं, गहरे नींद में रहते हैं, मीडियम, तो वो जो स्टेज होती है स्टेज है।